मान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, कि कौन है तेरा सच्चा भगवान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मन ये नाते रिश्ते जो है ये कुछ समय के हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, हर हट माल ये अरहट का कुआ लोई आगल बन जाए है सब कोई। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख 84 की सह त्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। लख 84 की सह त्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख 84 की सह त्रासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर। नहीं एक पल की, नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर। नहीं पल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़े, बात करे छल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़े, बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांधली गठरिया, कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया। नहीं पल की, नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया। ना पल की, मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई ना साथी, या मट्टी जंगल की खबर। नहीं पल की,
नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल्कि खबर नहीं पलकी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पलकी। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सब है साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया ना पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरी आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब परमात्मा कितना निर्णायक बताते हैं कि तू मेरी शरण गए और मेरी पहचान कर, फिर तेरी सारी रक्षा होगी। अन्य साधना जो तू कर रहा है तो गारा दल दल की, उन साधनाओं से दूना नरक में, दूना ग्राउट में आता जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सर दर पाऊं बहुर नहीं रे साता। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी प्राणियों के जनक कबीर साहेब जी हैं, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हैं, जो काशी शहर में भारत वर्ष की पवित्र धरती पर, काशी शहर के अंदर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे। ये पूर्ण परमात्मा हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, और उन नवजात शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर को नीरु नीमा नाम के जुलाहा दंपति घर ले गए थे। वो निसंतान थे। एक लीला करते हुए परमात्मा वहाँ जुलाहे की भूमिका करने लगे, जिस कारण से वो कबीर धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, कबीर दुलाहा रूप से प्रसिद्ध हुए, और साथ में प्रसिद्ध कवियों में से भी एक परमात्मा का नाम विशेष आदरणीय रहा। वास्तव में परमात्मा अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, परमात्म तत्व को स्वयं ही बताने के लिए यहाँ आते हैं, और उसी विधान अनुसार, अपने उसी लीला अनुसार वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और कलयुग में भी
सन 1398 में यही लीला की परमात्मा ने। परमेश्वर ने हमें आकर समझाया कि तुम सतलोक में रहा करते थे, आपकी वहां जन्म और मृत्यु नहीं होता था, आपके ऊपर यहां एक ये जो शरीर आपको दिया है ये आपका एक बंधन है, आपके ऊपर एक ये बेड़ी डाल रखी है, इस प्राणी को परेशान करने के लिए इस काल भगवान ने हमारे ऊपर ये स्थूल शरीर जो चढ़ा रखा है ये हमें परेशान करने का माध्यम है, मीडिया है। इस जीव को जितना कष्ट इसमें दिया जा सकता है ये देता है, चाहे वो पशु रूप योनि में, चाहे पक्षी योनि में या मानव शरीर में। परमात्मा ने आके बताया कि इस शरीर में जिसमें तुम रह रहे हो ये क्या है, कैसा है, तुम हमेशा इस शरीर को पाकर के ये चिंतित रहते हो, चिंता करते हो कि हे भगवान कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मुझे चिंता इस बात की है कि तुम इसमें जीवित कैसे रह रहे हो, तुम रह कहां रहे हो, इस शरीर में हड्डियां, मांस, रक्त, थूक, पेशाब, बिष्टा, हर तरह की लाल इसके अंदर भर रखी हैं और उसमें तुझे डाल रखा है। कभी आपने सड़क के ऊपर कुत्ता मरा हुआ देखा हो एक्सीडेंट के कारण, उसका अंदर से क्या मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको देख करके हमें मुंह मोड़ना पड़ता है, देखा नहीं जाता, और हम उसी में रह रहे हैं। हमारा शरीर ऐसा ही है जिसमें हम विद्यमान हैं, इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी ही उस साई को ढूंढ, उस परमात्मा को, उस साई को, उस मालिक को, तत् ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को खोजो। फिर बताते हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है ये मिट्टी का है, 5 तत्वों से बना हुआ है, अंत में इसका अंतिम संस्कार जब कर दिया जाएगा ये मिट्टी में मिल जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इस मिट्टी से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं, मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी जो आपको प्राप्त हुई है इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो, इस मिट्टी से सोना उपजा सकते हो, सत साधना करके धर्म पुण्य करके आप इस मिट्टी का बहुत लाभ उठा सकते हो। आपको काल भगवान ने, ब्रह्म ने अत्यंत कष्ट दिया हुआ है और उन कष्ट में शरीरों में से हल्का कष्ट में ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है, और इस मनुष्य शरीर में आप कितने दुखी हो आप विचार ना करने से आप नहीं सोच पाते हो कि हम सचमुच इस मनुष्य शरीर में भी महाकष्ट उठा रहे हैं। हम स्वयं नहीं सोच पाते हैं, जब हम तत्व ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का संदेश हमें प्राप्त होता है, फिर हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, फिर हमें लगता है कि सचमुच हम बहुत दुखी हैं। इस मानव शरीर को हम अच्छा शरीर मानते हैं, अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के शरीरों से मानव शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इसमें कभी कोई बीमारी है, इसके अंदर भी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सबसे ज़्यादा टेंशन